सो कुछ टाइम पहले मैंने तुम लोग को बोला था कि सो अगर तुम लोग चाहते हो कि मैं इस टॉपिक से रिलेटेड एक पूरा का पूरा सीरीज बनाऊं तो इस वीडियो पे जो है तुम लोग 150 लाइक्स कर दो। सो आज मैं तुम लोग के लिए माइनक्राफ्ट पॉकेट एडिशन 1.19 के लिए चार ऐसे मॉड्स लेके आ चुका हूँ जो कि तुम्हारे माइनक्राफ्ट के फेवरेट क्रिएटर्स ने खेला होगा, जैसे कि यस मार्टीपाई, प्रो बॉयज एंड ऐसी काफी और। सो ये जानने के लिए कि मैंने इस वीडियो में तुम लोग को कौन कौन से मॉड दिए, तुम लोग को ये वीडियो पूरा देखना पड़ेगा। एंड अभी मैं तुम लोग को हमारे 100 डेज हार्डकोर वाले वीडियो का कुछ अपडेट दे देता हूँ। सो अभी हमारा जो हार्डकोर वर्ल्ड वाला वीडियो है वो अभी बन रहा है, लेकिन जस्ट बिकॉज उसको बनने में कुछ ज्यादा ही टाइम लग रहा था तो मैंने सोचा क्यों ना पहले इस वाले वीडियो को डाल दिया जाए, क्योंकि तुम लोग खुद सोचो कि माइनक्राफ्ट 100 डेज का मतलब रियल लाइफ में लगभग जो है 30 घंटे से भी ज्यादा का टाइम है, जो कि बहुत ज्यादा होता है। लेकिन तुम लोग चिंता मत करो, हमारी हार्डकोर वाली वीडियो जो है मोस्ट प्रोबेबली या तो इस वीक के एंड तक आ जाएगी, एंड अगर इस वीक के एंड तक नहीं आए तो मोस्ट प्रोबेबली जो है 100% मैं बोल सकता हूँ कि नेक्स्ट वीक के स्टार्ट में आ जाएगी। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बात कर लेते हैं हमारे आज के शाउट आउटर्स की। सो हमारा आज का शाउट आउट जाता है मंटू राणा, कृष्णा 69 एंड फाइट गेमर्स को। सो अ ह्यूज शाउट आउट टू यू गाइस, एंड अगर तुम लोग को भी इसमें पार्टिसिपेट करना है तो जस्ट इस वीडियो का पिन कमेंट चेक कर लो। एंड अब बढ़ते हैं हमारे सीधा आज की इस वाली वीडियो की तरफ को। सो हमारे आज के सबसे पहले मॉड का नाम है माइनक्राफ्ट बट डैमेज गिव्स यू रैंडम इफेक्ट्स। सो हमारे इस वाले मॉड को जो है स्मार्टी बाई ने खेला था, लेकिन उन्होंने जो मॉड खेला था उसका नाम था किलिंग मॉब्स गिव यू रैंडम इफेक्ट, लेकिन इस मॉड का नाम है डैमेज गिव यू रैंडम इफेक्ट। एंड मुझे क्योंकि ये एग्जैक्ट मॉड जो है माइनक्राफ्ट पी के लिए नहीं मिला, सो इसलिए मैंने जो है ये डैमेज वाला मॉड तुम लोग को दे दिया, क्योंकि ये मॉड जो है मुझे उससे काफी सिमिलर लगा। सो इस मॉड के नाम से तुम लोग को पता चल गया होगा कि जब भी तुम लोग माइनक्राफ्ट में डैमेज लोगे तो तुम लोग को जो है यहाँ पर कुछ रैंडम इफेक्ट देखने को मिलेंगे, जो कि यहाँ पर अच्छे भी हो सकते हैं और बुरे भी हो सकते हैं। क्योंकि जैसा कि तुम लोग देख सकते हो कि जैसे मुझे यहाँ पर जो है सबसे पहले डैमेज लगा तो मुझे जो है नाइट विजन मिला, लेकिन मुझे जैसे ही सेकंड टाइम डैमेज लगा तो मुझे सीधा ब्लाइंडनेस मिल गया। सो इसलिए मैं तुम लोग को रेकमेंड करूंगा कि जब भी तुम लोग यहाँ पर इससे डैमेज लोगे या फिर इस मॉड को ट्राई करोगे तो अपने साथ जो है मिल्क बकेट जो है जरूर कैरी करके रखना। अगर तुम लोग ये नहीं करोगे तो तुम लोग का हाल कुछ ऐसा हो सकता है। सो हमारे सेकंड मॉड का नाम है माइनक्राफ्ट बट यू कैन ट्रेड विद मॉब्स। सो ये हमारा मॉड जो है एपिक डेपिक भाई ने खेला था। सो हमारा ये वाला मॉड जो है तुम लोग को एपिक डेपिक भाई के मॉड से एकदम सेम देखने को मिला है। इसमें बस जो है एक ही डिफरेंस है कि हमारे और उनके मॉड में जो है सिर्फ और सिर्फ ट्रेडिंग आइटम्स का ही डिफरेंस, एंड इसके अलावा तुम लोग को लिटरली इसमें कोई भी डिफरेंस देखने को नहीं मिलेगा। एंड तुम लोग इस मॉड से लिटरली माइनक्राफ्ट के किसी भी मॉब के साथ ट्रेड कर सकते हो, लेकिन हमारे यहाँ पर नए मॉब जैसे कि वार्डन, एले वगैरह जो है यहाँ पर ट्रेड नहीं करते, तो तुम लोग जो है इसमें अपने खाली पुराने मॉब्स के साथ ट्रेड कर सकते हो। एंड वो लोग जो है तुम लोग को डिफरेंट आइटम्स के बदले या तो एमरल्ड दे रहे होंगे या तो एमरल्ड्स के बदले में डिफरेंट आइटम्स दे रहे होंगे, जैसे कि यहाँ पर तुम लोग देख ही सकते हो। एंड अगर तुम लोग को ये वीडियो देखने में मजा आ रहा है तो प्लीज मेक श्योर टू हिट द सब्सक्राइब बटन। हम लोग इस वीडियो का गोल जो है 300 लाइक्स का लगाते हैं, एंड अगर इस वीडियो पे 300 लाइक्स कंप्लीट हो जाते हैं तो मैं जो इस सीरीज का सेकंड पार्ट बनाना भी चालू कर दूंगा। सो अब हम लोग बात कर लेते हैं हमारे थर्ड मॉड की। सो हमारे थर्ड मॉड का नाम है माइनक्राफ्ट बट यू कैन क्राफ्ट क्रिएटिव मोड। एंड आई नो कि तुम लोग को इसका नाम सुनते ही सबसे पहले दिमाग में आया हो कि पर हम लोग क्रिएटिव मोड को कैसे क्राफ्ट कर सकते हैं। गुड क्वेश्चन, यू आर अ गुड क्वेश्चन। सो उसके ऊपर बात करने से पहले मैं तुम लोग को बता देता हूँ कि हमारा इस वाले मॉड को जो है बायोनिक भाई ने बहुत पहले खेला था, एंड ये मॉड जो है उससे काफी सिमिलर है, बस इसके जो क्राफ्टिंग रेसिपी है वो थोड़ी सी डिफरेंट है। एंड अब बात कर लेते हैं कि तुम लोग क्रिएटिव मोड को किस तरीके से क्राफ्ट कर सकते हो। तो तुम लोग को इसको क्राफ्ट करने के लिए दो चीजें चाहिए होंगी, एक तो आई ऑफ एंडर एंड दूसरा है हमारा बॉटल ऑफ एनचांटिंग। एंड अभी तुम लोग सोचे हो कि भाई अगर हम लोगों ने आई ऑफ एंडर ले भी आया तो हम लोग जो है बॉटल ऑफ एनचांटिंग कहाँ से लेंगे। सो इसका भी सोल्यूशन है मेरे पास। सो इसका सोल्यूशन ये है कि मेरे ख्याल से तुम लोग को जो है बॉटल ऑफ एनचांटिंग दो तरीके से मिल सकता है, एक तो पिलेजर आउटपोस्ट से और एक विलेजर से ट्रेडिंग करके। एंड अगर तुम लोगों ने कैसे भी करके जो है 8 बॉटल ऑफ एनचांटिंग ले लिए, देन तुम लोग जो है लिटरली इनफिनिट अमाउंट्स ऑफ क्रिएटिव मोड बना सकते हो। क्योंकि तुम लोग खुद सोचो कि अगर तुम लोगों ने जो है एक बार क्रिएटिव मोड बना लिया तो तुम लोग जो है ये दोनों ही सामान जो कि तुम लोग को क्रिएटिव मोड को बनाने के लिए चाहिए होगा ये तुम लोग जो है लिटरली इनफिनिट अमाउंट में ले सकते हो। जिसका कि सिंपल मतलब होता है कि अगर तुम लोगों ने जो है एक बार क्रिएटिव मोड क्राफ्ट कर लिया तो तुम्हारे पास जो है इनफिनिट क्रिएटिव मोड्स आ जाएंगे। एंड हम लोग बात कर लेते हैं हमारे फोर्थ मॉड की। सो हमारे फोर्थ मॉड का नाम है माइनक्राफ्ट बट देयर आर कस्टम ट्रीज। सो हमारे इस वाले मॉड को जो है प्रो बॉयज भाई ने खेला था, एंड ये मॉड जो है उनसे काफी सिमिलर है, बस इसमें जो है डिफरेंसेस कुछ ये हैं कि उनके मॉड में जो है तुम लोग को ओर के ब्लॉक्स देखने को मिलते हैं, लेकिन इस वाले मॉड में जो है तुम लोग को ओर के ओर ही देखने को मिलेंगे। क्या बात है सर, क्या बात है सर।
एंड इन ट्रीज को लेने के लिए तुम लोग को जो है इन ट्रीज को क्राफ्ट करना पड़ेगा। एंड इन ट्रीज के सारे क्राफ्टिंग रेसिपी अभी मैं तुम लोग को यहाँ पर दिखा रहा हूँ। एंड इस मॉड से बेसिकली होगा ये कि लेट से कि तुम लोगों ने अपने चार डायमंड से जो है अपना डायमंड सैपलिंग बना लिया, देन तुम लोग को जो है उस चार डायमंड के बदले लिटरली उस ट्री से जो है तुम लोग को डबल एंड ट्रिपल डायमंड मिल सकते हैं। जिसका कि सिंपल मतलब ये हो सकता है कि अगर तुम लोग जो है पहले थोड़े बहुत अमीर थे तो अब तुम लोग लिटरली डबल अमीर होने वाले हो। एंड इसी के साथ आई होप कि तुम लोग को ये वीडियो देखने में मजा आया होगा। अगर मजा आया तो प्लीज मेक श्योर टू हिट दैट लाइक बटन। एंड अगर तुम लोग चैनल पर नए हो या फिर अब तक चैनल को सब्सक्राइब करके नहीं रखा तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तुम्हारा भाई हमेशा कोशिश करता है कि तुम्हारे लिए ऐसी खतरनाक कॉन्टेंट लाता रहे, सो प्लीज सब्सक्राइब कर देना। एंड अगर तुम लोगों ने अभी तक हमारे डिस्कॉर्ड सर्वर ज्वाइन करके नहीं रखा है तो प्लीज डिस्कॉर्ड सर्वर भी हमारा ज्वाइन कर लेना। मैं जो है वहां पर तुम लोग से बातें वगैरह करने आते रहता हूँ, सो प्लीज डिस्कॉर्ड भी ज्वाइन कर लेना। एंड अब मैं मिलूंगा तुम लोग को ऐसी एक खतरनाक वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।